पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश चंद्र जी, आपसे यही सवाल है, 5 में से 4 जजेस ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही बताया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के? क्या तो ये अच्छा है, क्यों जो गरीब आदमी है ईडब्ल्यूएस का, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों उसके पास साधन नहीं है। पहले तो आप ही देखें कि आपका जो रिजर्वेशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ये है कि जो भी पिछड़ा हुआ है या दलित है, जो भी है, मतलब जो जिसके पीस मींस नहीं है, उसको हम प्रोटेक्शन दें, उसको हम आरक्षण दें। तो वो तो नीचे लोग भी हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, कास्ट बेस में आते हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो पढ़ सकें। आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग भी आजकल जो है छोटे छोटे काम करते नजर आ जाते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि आरक्षण तो सही है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उनको सक्षम बना दें, जो गरीब लोग हैं या जो जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको सक्षम बना दें, ताकि आरक्षण के आगे उनको जरूरत ही ना पड़े नेक्स्ट जनरेशन में। सर, 5 जजों में से 1 जज रविंद्र भट्ट का ये कहना कि एससी एसटी ओबीसी को अलग करना भेदभावपूर्ण है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भेदभावपूर्ण तो नहीं है, जो ओरिजिनली था वो तो था, इनका एससी एसटी का रिजर्वेशन ही था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो है ये किया। आपने देखा हो पीछे भी मांग उठी है कि रिजर्वेशन की समीक्षा की जानी चाहिए, क्या वास्तव में जरूरी है। और क्राइटेरिया आप देखिए, जो एससी एसटी के हैं, फर्स्ट जनरेशन है, आप देखिए जगजीवन राम की बेटी है, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है, उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? दे आर वेल कॉम्पिटेंट। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जैसे आपके एक पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उनका 5,000 करोड़ रुपए का असेट्स है, उनके बच्चों को क्यों मिलेगा आरक्षण? सिर्फ इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट के हैं। जस्टिस चंद्र, ये आप बेहतर समझा पाएंगे कि कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो कैसे अब असमानता को दूर करने की ये कोशिश की जाएगी, किस तरीके से इसे कैटेगराइज किया जाएगा? बहुत सी क्लैरिटीज इस पूरे मामले पर आनी सामने बाकी है, क्योंकि यहाँ क्या फैसले में भी इन चीजों को स्पेसिफिक तौर पर मेंशन किया जा सकता? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप रेस में खड़े हैं और वहां 2 आदमी है, एक सक्षम आदमी है और एक जो है लंगड़ा आदमी है या वो नहीं चल सकता, इनकैपेबल है। आप उसके दौड़ में उसको लगाने के लिए, बराबर लाने के लिए आरक्षण देते हैं। हमारा कहना यह है कि आप उसको जो सक्षम नहीं है उसको इस लायक बना दीजिएगा कि वो उसके साथ रेस कर सके और आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहे। अच्छा, उसको इतने मींस दे दीजिएगा, उसको इतनी पढ़ाई करा दीजिएगा, उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दीजिएगा कि वो उसके बराबर आ जाए और उसको रेस लगा सके और सब बराबर हो जाए। जी।